मैं प्रिंसिपल केडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनिया यादव। विरोध करने का तो मुद्दा ही उठा दिया ना, पहले भी एक बार 6 महीने पहले भी इन्होंने टावर लगवाया था दूसरी विंग में, तो वो बंद करवाया गया और अब इन्होंने यहाँ पर लगवा लिया। पहले 2 दिन तक पड़ोसी से पूछते रहे कि क्या करवा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जिम खोलेंगे ऊपर, और कल अचानक से नीचे यहाँ खुदाई हो गई है। लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही लगवाएंगे, हमने डीसी से परमिशन ले रखी है। आप बताइए, इतनी हाई रेडिएशन का है, साथ में कॉन्वेंट स्कूल है, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, क्या दिक्कतें, बराबर में छोटा सा छोटे बच्चे का सकूल है, कितनी दिक्कतें बच्चों के लिए बढ़ सकती है टावर सर? देखिए, दिक्कतें तो बढ़ेंगी फिजिकल मेंटली, दोनों तरीके से बच्चों की दिक्कतें बढ़ेंगी इसमें। तो क्या चाहते हैं आप इसको लेकर? सर, हम ये चाहते हैं कि डीसी साहब इस बात पे ज्ञापन लें और उसके बाद जो है इसका सही तरीके से समाधान निकालें। रिहायशी इलाके में ये नहीं लगना चाहिए। ज़रूरी है कि अगर मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें टावर लगवाना है ताकि नेटवर्क प्रॉपर वर्क करे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिहायश में लगा दिया जाए। आप इसका मकान है क्या, इनसे कोई बातचीत हो पाई है आपकी? सर बिल्कुल बातचीत हो पाई है, कल तो मैं यहाँ अवेलेबल नहीं थी लेकिन मैंने देखा था, आज भी मेरी बातें हुई हैं, तो कल जब बात की है सभी पड़ोसियों ने तो उन्होंने बोला कि हमने डीसी साहब से परमिशन ले रखी है और 2.5 लाख रुपये हमने कैश पेमेंट किया है और यहाँ तो टावर लगेगा, अब आप देख लीजिए जो आप लोगों को करना हो। आप वहीं जाकर बात कीजिए। जबरन टावर लगा रहे हैं सर, इस हिसाब से तो हमें जबरन ही लग रहा है। दीपा, ये हमारी पर्वतिया कॉलोनी। किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप गली में? इसमें वो कर रहे हैं बच्चे, इनके मारे हमारे बीमारी फैलेगी, सब कहीं फैलेगी। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? टावर है क्या? किस टावर लग रही है यहाँ? तो क्या दिक्कतें बढ़ सकती है आप लोगों के लिए टावर लगने से? क्यों नहीं है, परेशानी सब परेशानी है। तो मोबाइल टावर है, इंटरनेट की जरूरत सबको होती है, मोबाइल टावर लगे हमें ना चाहिए, नेट चलाएंगे अभी तो बराबर में स्कूल है, कितना इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? थोड़ी सी पास है, बहुत असर पड़ेगा बच्चे। विरोध करते हैं आप टावर हटने से? हटाने को वो कर रहे हैं, हटाई लगेगा ही ना यहाँ वाली गली है। यहाँ पे विरोध इस बात का है कि टावर लग रहा है, पहले भी एक टावर लगा गया था, उसको हटाया गया था जी, फिर इनने इस बिल्डिंग को छोड़ के इस बिल्डिंग में आ गए हैं जी। हुआ कुछ नहीं है, ये हमसे कहते हैं कई दिन से हम सौर ऊर्जा का पैनल लगा रहे हैं, अब ये सौर ऊर्जा पैनल देखा, हमें कल परसों देखा तो ये देख रहे हैं कि टावर लगा रहे हैं यहाँ पे। तो कितने लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं? पूरी गली मोहल्ला विरोध में है और कोई दूरी भी नहीं है, 1 मीटर की दूरी नहीं है दूसरे घरों से अटैच से, यहाँ से 5 फुट की लगा लो कितनी, 10 मीटर की दूरी नहीं है स्कूल की। तो क्या जो टावर लगा रहे हैं उनसे कोई बातचीत हो पाई है इस विचार? 10 बार बात हो गई है, कोई वो साफ मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम डीसी से वो लेके आए हैं, आप वही बात करो। रेडिएशन आती है, आपको पता है कई तरह के कैंसर होते हैं, छोटे बच्चों के लिए रेडिएशन पावर में जाना बेकार होता है, जब प्रेगनेंसी है कई होगी, लेडीज होगी वो नहीं जा सकती उस एरिया में। तो पास में स्कूल भी है, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, कितना इफेक्ट उन बच्चों पर पड़ेगा? बिल्कुल, ये कॉन्वेंट स्कूल है, कोई बड़ा स्कूल तो है नहीं जी, बड़ा स्कूल तो उस साइड, यहाँ तो कॉन्वेंट है तो छोटे बच्चे ही आएंगे। रेडिएशन पावर का आपको पता है, एक अल्ट्रासाउंड के रेडिएशन के अंदर भी दूसरी लेडीज को नहीं जाने दिया जाता जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये टावर कोई छोटा टावर नहीं है, कोई बूस्टर टाइप का भी नहीं है, तो बड़ा टावर है। तो किसका मकान है जिस पर टावर लग रहा है? ये ऋषि चौधरी जी का है। तो क्या उनसे बातचीत हो पाई है आप लोगों की? बहुत बार बात होगी जी। क्या कहते हैं वो? बिल्कुल मना करते हैं, वो कहते हैं आप वही बात करो, हमसे बात करो।